बाबाओं और तांत्रिक के जादू की नहीं, आज हम बात करेंगे ब्रेन रिसर्च की। जॉन जे मेडिना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, जिनका मेन रिसर्च एरिया है आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। जॉन मेडिना ने अपना मैक्सिमम प्रोफेशनल करियर मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है और इसके बाद ही उन्होंने ब्रेन के बारे में 12 रूल्स लिखे अपनी बुक ब्रेन रूल्स में। और आज हम इसी बुक से ब्रेन रूल सीखेंगे और ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे ब्रेन की परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज की जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज अमेजिंगली रिसर्च्ड ब्रेन रूल्स। तो सबसे पहला ब्रेन रूल आता है एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। ऑथर दो लोगों से मिले, जिम और फ्रैंक। इन दोनों की एज मिड 80s में थी। जिम व्हीलचेयर में अपना टाइम गुजारते थे, बिना बात के रोने लगते, दीवानों को घूरते रहते, बहुत कुछ भूल जाते, इन शॉर्ट बस अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो 80 के होने के बावजूद 80 के नहीं लगते थे, वो बहुत ही एक्टिव थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। अब ऑब्वियसली फ्रैंक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या एक्चुअल में एक्सरसाइज की वजह से ही इनकी मेमोरी बेटर थी और कम बीमारियां थी, या फिर कोई और रीजन था। सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशन थी जिसमें गलतियां हो सकती हैं, या एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूफ किया जा सकता था। इसलिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए और हर एक्सपेरिमेंट में ये निकला कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में काफी बेटर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी जो बस बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जॉन बोलते हैं ये इसलिए है कि हमारा ब्रेन बनाया गया था एक ऐसी बॉडी के साथ जो हजारों साल पहले 12 माइल्स पर डे चलती थी, और इसलिए हमारा ब्रेन ज्यादा बेटर भी तब परफॉर्म करता है जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी जिसमें हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है जो ब्रेन से जहरीले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है स्पार्क, द रेवोल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड ब्रेन। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। ये रूल कहता है कि ह्यूमंस को मिलियन साल लगे ये अमेजिंग ब्रेन पाने के लिए। पहले हमारे पास सिर्फ एक लिजर्ड ब्रेन था, यानी एक छिपकली वाला ब्रेन जो सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शंस को एक्टिवेट रखने के लिए यूज होता था, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट को मेंटेन रखना, सोना और जागना। ये कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता था। लेकिन फिर इसमें कुछ और ऐड हुआ, एमिग्डाला, और हमें एक कैट ब्रेन मिला जिसकी वजह से हम नई चीजों के केपेबल हो गए, जैसे कि हम शिकार को देख के मार सकते थे, शिकारी को देख के भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और फाइनली बहुत सालों के बाद इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स के साथ डीप कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने के स्किल्स, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिली। और ये सब इम्प्रूवमेंट्स तब हुई जब ह्यूमंस सवाना में आए और जब हमने 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलना सीखा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती थी और वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रेन को डेवलप करने में यूज होती थी, जिसकी बदौलत हमें ये अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन, जो कि वर्ल्ड के एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल ज्वाइन कर ली थी और जॉर्डन को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। उनसे आउटफील्ड में 11 गलतियां हुई और उस सीजन में सबसे कम स्कोर किया। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेसबॉल और बास्केटबॉल में काफी स्किल्स मैच करती हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो भी चीज हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं, फिजिकली करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए अगर दो लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं तो भी उनके ब्रेन सेम जगह पर सेम तरीके से सेम इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। बहुत ही अमेजिंग रिसर्च में रिसर्चर्स को ये पता चला कि एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे सेंसेस किसी चीज को देख भी रहे हैं तो विद इन फ्यू सेकंड्स वो उनमें से मैक्सिमम चीजों का डेटा डिलीट कर देंगे ताकि हमारा ब्रेन एक ही चीज पर फोकस कर सके। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज पर अटेंशन बनाना चाहते हैं तो हम इमोशनली अराउज्ड होने चाहिए। इसलिए हमें टीवी पर दिखाई जा रही एडवर्टाइजमेंट्स इमोशनल होती हैं ताकि वो हमें याद रहें। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है रिपीट टू रिमेम्बर। अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है तो इस ब्रेन रूल को सुनो। हम अपनी रिमेम्बरिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को उसी एनवायरनमेंट में रिकॉल करें जिस एनवायरनमेंट में हमने उसे लर्न किया था,
यानी अगर हमें एग्जाम हॉल में एग्जाम देना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम पढ़ाई करें तो हमारा रूम एग्जाम हॉल की तरह ही दिखे, ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकें। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है रिमेम्बर टू रिपीट। ये ब्रेन रूल कहता है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम पहले कुछ मिनट में ही भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरीज हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स की कम्युनिकेशन के दौरान बनती है, यानी अगर हमें लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखनी है तो हमें उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और चीजें याद करनी चाहिए, और साथ में हमें इन इन्फॉर्मेशन को इक्वल टाइम के बाद रिवाइज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है स्लीप वेल थिंक वेल। आपका तो पता नहीं पर मुझे ये मिसकंसेप्शन था कि सोना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स में स्टडी को दूंगा उतना ज्यादा मैं अचीव कर पाऊंगा, और मैं बहुत कोशिश भी करता था कि मैं कम से कम सोया करूं, इसलिए मैं हमेशा थका सा और रिएक्टिव स्टेट में रहता था। बट ऑब्वियसली साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हम जितनी कम स्लीप लेंगे उतने ज्यादा नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हमारे साथ हो सकते हैं। कम स्लीप से हमारी अटेंशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारा मूड खराब हो जाता है, इवन लॉजिकल थिंकिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, और साथ में हमें बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये शो किया कि अगर नासा के पायलट्स 26 मिनट का एक छोटा सा नैप भी ले लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस 34% तक इम्प्रूव की जा सकती है, और ये इसीलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत ही रिदमिक वे में एक्टिविटीज शो करते हैं। इन शॉर्ट, जो पूरे दिन हमने लर्न किया था वो सोते टाइम उसे रीप्ले करते हैं। इसलिए दिमाग तेज करने का ये एक शॉर्ट तरीका है कि हम छोटा सा नैप ले लें। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। इमेजिन कीजिए कि आपका कोई लव्ड वन बहुत बीमार है और उसे आप और आपके फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है, आप ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे हैं, और वहां पर कोई आपको एक सवाल पूछता है कि क्या आप 86,51,277 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो भी विद इन 5 सेकंड्स। तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है, और ये ब्रेन रूल भी यही कहता है कि जनरली स्ट्रेस में ब्रेन परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन स्ट्रेस के टाइम में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी को अटेंटिव कर देती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए। लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस से रिलीज हुआ एड्रेनलिन हमारे ब्लड वेसल्स में स्कार्स डाल देता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक तक आ सकता है। इसलिए स्कूल में भी कम से कम ही स्ट्रेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारी जितनी ज्यादा सेंसेस किसी काम में इन्वॉल्व होगी हमें उतना ही ज्यादा याद रहेगा। मानिए कि रिसर्चर्स आपकी आंखों में पट्टी बांधते हैं और आपके नोज के पास एक नाशपाती का पीस रखते हैं ताकि आप उसे स्मेल कर पाए, लेकिन आपको वो एक एप्पल का पीस खिलाते हैं। अगर वो इस कंडीशन में आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा फ्रूट खिलाया गया है तो हमें से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हमें नाशपाती टेस्ट किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने नाशपाती को स्मेल किया था, यानी एक सेंस ज्यादा यूज करी थी। इसी तरीके से अगर हम स्टडी करते वक्त रूम में एक पर्टिकुलर परफ्यूम या एयर फ्रेशनर यूज करते हैं तो जब भी हम उस परफ्यूम को किसी और जगह सूंघेंगे तो हमें अपने स्टडी रूम की याद आएगी, और हो सकता है कि हमें स्टडी करने का मन भी कर जाए। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारी सबसे डोमिनेंट सेंस विजन है, क्योंकि विजन हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेज यूज करती है, यानी हमें सबसे ज्यादा मेमोराइज तब होता है जब हम पिक्चर्स को या वीडियोस को देखते हैं, ना कि रिटन और स्पोकन वर्ड्स को। इसे प्रूफ करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बेबी की टांग में एक रिबन बांधो और उस रिबन को एक बेल के साथ बांधो। थोड़े टाइम के बाद बेबी को पता चल जाएगा कि जब भी वो टांग हिलाती है तो बेल मूव करती है, जिससे एक आवाज आती है। अब थोड़े टाइम के बाद आप उस रिबन को काट दो, हर बार बेबी केक मारेगी। अब जब हर बार बेबी केक मारेगी तो बेल की आवाज नहीं आएगी, और शायद वो थोड़ी और जोर के किक मारे। अब वो थोड़ी देर के बाद बेल को घूरने लग जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि हमारा ब्रेन पहले से ही एक विजन के प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर के साथ आता है। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ये पॉइंट कहता है कि आदमी और औरतों का ब्रेन कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करता है, यानी कि जब मेन और वेमेन दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल में रखा जाता है तो वेमेन ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एमिग्डाला एक्टिवेट होता है और उन्हें सारी इमोशनल डिटेल्स याद आ जाती है, लेकिन मेन यानी आदमियों का राइट एमिग्डाला एक्टिवेट होता है और उसे जिस्ट यानी किसी बात का कंक्लूजन याद आता है। और ये इसीलिए है क्योंकि वेमेन जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनके सेल में एक्टिव एक्स क्रोमोजोम्स अपनी मदर और फादर दोनों से आए हैं, लेकिन आदमियों का एक्स क्रोमोजोम सब अपनी माँ से आया है और वाई क्रोमोजोम में
100 से भी कम जीन्स अवेलेबल हैं। इसलिए मेन और वेमेन सेम स्टिमुलस को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। अगर आप मेन और वेमेन में ज्यादा डिफरेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप में फ्री में हिंदी में मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वेमेन आर फ्रॉम वीनस इस बुक की समरी सुन सकते हैं। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ये ब्रेन रूल कहता है कि ह्यूमन माइंड एक्चुअल में क्यूरियस माइंड है। ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हम पहले से ही प्री प्रोग्राम थे और हर चीज जानना चाहते थे। छोटे बच्चे सवाल पर सवाल पूछते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बेस्ट लर्निंग एक्टिव लर्निंग के साथ होती है, यानी एक्चुअल में चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसमें गलतियां करके और फिर कंक्लूजन पर आके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 12 रूल्स देखे। पहला था एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर, यानी हमारा ब्रेन एक ऐसी बॉडी के लिए डिजाइन हुआ था जो 12 माइल पर डे चल सके। एक्सरसाइज से हमारी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, इसलिए मूव मूव एंड मूव। नेक्स्ट ब्रेन रूल था द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू, यानी ह्यूमंस को पहले लिजर्ड ब्रेन मिला, फिर हमें कैट जितने इंटेलिजेंट हुए और फाइनली ह्यूमन ब्रेन में कॉर्टेक्स एड हुआ जिसे हम आज स्पेस में रॉकेट छोड़ रहे हैं। थर्ड ब्रेन रूल था एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली, हर ब्रेन डिफरेंट है और वो डिफरेंस आता है कि हम अपनी बॉडी से क्या काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट ब्रेन रूल था वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है और इसलिए हमारे सामने जो भी हजारों चीजें आएंगी उनमें से हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है रिपीट टू रिमेम्बर, यानी जब भी हम सेम एनवायरमेंट में कोई चीज करते हैं तो जब भी वो एनवायरमेंट दोबारा हमें दिया जाएगा तो हमें वो चीज याद आ जाएगी। नेक्स्ट रूल था रिमेम्बर टू रिपीट, यानी अगर लॉन्ग टर्म तक कुछ याद रखना है तो एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेटेड कुछ नया याद करो और इन्हें टाइमली रिपीट करते रहो। नेक्स्ट रूल था स्लीप वेल थिंक वेल, इसमें हमने देखा था कि 26 मिनट का एक छोटा सा नैप हमारी ब्रेन परफॉर्मेंस को 37% तक इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे, जिसमें हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आया था स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस, जितने ज्यादा सेंसेस हम किसी चीज को याद करने में यूज करेंगे हमारा ब्रेन उसे उतना ही जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट था विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, यानी सबसे पावरफुल सेंस हमारी विजन है, इसलिए लर्निंग के लिए हमें टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स या वीडियोस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट, स्ट्रेस में मेल ब्रेन किसी चीज के क्रक्स उसके निचोड़ के बारे में सोचता है लेकिन फीमेल ब्रेन उसी चीज की डिटेल्स में जाती है। नेक्स्ट रूल था वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स, हम बचपन से ही ब्रेन में ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम्ड हैं कि हम नई नई चीजें ऑटोमेटिकली सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं और बुक्स की समरी से अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप फ्री में हिंदी में 120 से ज्यादा बुक समरी सुन सकते हैं। और अगर आपको फ्री समरी की क्वालिटीज अच्छी लगती हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और हमने इस इंडिपेंडेंस डे के लिए यानी अगस्त 15 एंड 16 के लिए गीगल ऐप पर 100 रुपीज का डिस्काउंट रखा है, जिसे लेने के लिए आप सेव 100 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। सेव और 100 के बीच में कोई स्पेस नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम दोबारा आपसे मिलेंगे। जय हिंद।